भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को करीब एक महीने होने जा रहा है। इस जंग के थमने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तक करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कई देश गाजा पट्टी में मानवीय संकट का हवाला देते हुए इसराइल से हमला रोकने की मांग कर रहे हैं। इस पर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वह गाजा में सहायता पहुंचाने या बंधकों को बाहर निकालने के लिए जंग पर थोड़ी देर विराम देने पर विचार करेंगे। हालांकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद एक बार फिर नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की मांग को फिर से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इसराइल ने कसम खाई है कि वह हमास के एक आतंकी को चुन चुन कर खत्म कर देगा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें लगता है कि इसराइल को युद्ध के बाद अनिश्चित अवधि के लिए फलस्तीनी क्षेत्र पर सुरक्षा जिम्मेदारी की आवश्यकता होगी। अमेरिका द्वारा मानवीय संकटों के कारण जंग को रोकने के प्रयासों पर इसराइली पीएम ने कहा कि सामान्य युद्ध विराम उनके देश के युद्ध प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा। नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि जहां तक छोटे छोटे विरामों की बात है, एक घंटा यहां, एक घंटा वहां, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हमास का कहना है कि जब गाजा पर हमला हो रहा है तो वे बंधकों को मुक्त नहीं करेगा और ना ही लड़ाई बंद करेगा। हमास नियंत्रित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक कम से कम 10,022 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 4,104 बच्चे भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि अस्पताल घायलों का इलाज नहीं कर सकते हैं, भोजन और साफ पानी खत्म हो रहा है और सहायता वितरण कहीं भी पर्याप्त नहीं है। वॉशिंगटन सहायता को प्रवेश की अनुमति देने के लिए संघर्ष में विराम की व्यवस्था करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि इसराइल ने साफ कह दिया है कि वह पूरी तरह से युद्ध पर विराम नहीं लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।